अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैंने एक खूबसूरत सी सुबह के साथ वीडियो की शुरुआत की है और यहाँ पे देखिए लंच की तैयारी चल रही है। मम्मी लंच में बना रही है कोफ्ते, मटन के कोफ्ते और कोफ्ते कभी साथ में बनाएगी। उसके साथ बना रही है रुमाली रोटी, कोफ्ते बन चुके हैं, अब बना रही है रुमाली रोटी। मुझे तो उतना अच्छे से नहीं आती है, मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है। यहाँ पे मैं सीख रही थी कैसे बनाते हैं। इस बार मैंने अच्छे से बेक लिया है और इंशाल्लाह आप जब वापस जाऊँगी तब मैं ट्राई करूँगी और फिर नहीं कैसी बनती, जैसे भी बनेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए रोटी बन रही है और साथ ही में मम्मी ने जो कोफ्ता कभी बनाई थी वो भी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की करी बनी हुई थी और इसकी भी रेसिपी मैंने मम्मी से देखी है। इंशाल्लाह मैं इसके भी एक बार ट्राई करूँगी। माशाल्लाह मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाना बनाने का हमें बहुत शौक है। मैं भी मम्मी की तरह खाना बनाने का हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। उतने अच्छे से बना तो नहीं पाती हूँ लेकिन ट्राई तो हमेशा करती रहती हूँ। उसके बाद खाना हो चुका था, यहाँ से मैंने एलोवेरा फेस निकाली थी और मेरे सर में थोड़ा सा मसाज किया। यहाँ पे मम्मी मुझे बता रही थी कि उन्होंने साल हमारे लिए कितने सारे पापड़ बनाए हैं और ये चीज़ भी बनाए हुए थे। दही वाली मिर्ची तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है तो ये दही मिर्ची भी बनाई थी। उसके बाद अभी वक्त हुआ था क्योंकि 4 बजे थे, हमारे चाचा वहीं पे रहते हैं, उन्हें मिलने के लिए हम चले गए थे उनके घर। ये हमारे चाचा का घर है, ये उनका लड़का है। यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, वो अपने मामू लोगों के साथ खेल रहा था, साथ में मेरे हस्बैंड भी उनके साथ ज्वाइन हो गए थे और मेरे जो चाची हैं वो बहुत ही मज़े किए, उन्होंने पकौड़े बनाए थे तो मैंने पकौड़े इंजॉय किए, साथ में उनका जो गेम है ये भी इंजॉय किया। यहाँ पे मेरे चाची पकौड़े बना रहे थे और उन्होंने बहुत ही मज़े का शीरखुरमा भी बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की क्योंकि जब मैं पहले कॉलेज जाती थी तब मैं हमेशा आती जाती रहती थी और मम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाए करके। यहाँ पे हमने इतनी सारी बातें की, पुरानी यादें पुरानी बातें करके बहुत अच्छा लगा। इनके साथ वक्त बिता के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद क्या बहुत सारे बाद हम मिल रहे थे तो बहुत मज़ा आया। साथ ही में पकौड़े भी बहुत इंजॉय किए। उसके बाद जब बाहर चले गए थे उनके पेड़ पौधे देखने के लिए तब ये जो अरवी के पत्ते हैं वो भी उन्होंने हमारे लिए दे दिए थे तो मम्मी ने उसके बाद इसके बहुत अच्छे पकौड़े बनाए थे। तो ये हमने कुछ पत्ते ले लिए थे और ये है मेरे अंकल, फिर मेरे पापा के छोटे भाई, मेरे चाचा। और ईद हो गई थी इसलिए ईद भी दे रहे थे मेरे हस्बैंड को। मेरे लिए अंकल इतना प्यारा दो पप्पा लेके आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा दो पप्पा है, मुझे बहुत पसंद आया। साथ में उन्होंने मुझे ईद में कुछ पैसे भी दे दिए थे। उसके बाद हम चले गए थे हमारे दूसरे चाचा के यहाँ पे, वो भी वहाँ पास में ही रहते हैं। तो ये मेरे चाचा हैं जो वहाँ पास में रहते हैं, उनके घर जाने के बाद हमने वहाँ पे भी उनसे कुछ बातें की। वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम वापस आ रहे थे तो ये भी मेरे चाचा हैं, ये भी आ गए थे तो उनके भी साथ में मुलाकात हो गई, कुछ बातें हो गई। तो बहुत सारा टाइम चला गया यहाँ पे ही। और जब हम कहीं आते हैं बैठते हैं तो बातों में बहुत सारा वक्त चला जाता है, तो वैसे ही हो गया। अभी वक्त हुआ था शाम के कुछ 6 बजे होंगे तो हम घर वापस चले गए थे। वैसे जो हमारा घर है वो हमारे जो ये चाचा हैं उनके घरों से 2 या 3 किलोमीटर होगा। तो देखिए घर वापस आते आते शाम ही हो गई थी। यहाँ पे अर्श अपने मामू की ड्राइविंग एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा था, उसको और भी ज़्यादा घूमना था तो मामू से घुमा रहे थे इधर उधर।
उसमें तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे आने के बाद। जितना वहाँ पे हम घर में बैठे रहते हैं ना, तो यहाँ बाहर आने के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ देखने के लिए। अस भी वैसे ही बहुत एक्साइटेड था हर चीज़ के लिए, बहुत इंजॉय किया उसने। और अभी बच्चे शाम हो गई है, शाम के वक्त हम आए फिर ऊपर छत पे, और यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी। अर्स अपने मामी के साथ गेम खेल रहा था, अपने गेम के बारे में बातें शुरू थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ठंडी हवाओं में इस तरह से खुले आसमान के नीचे बहुत ही सुकून भरी शाम देखते हुए। कुछ देर तो हम यहाँ पे बैठे रहे, उसके बाद मजबूरी हो गई तो हम लोग नीचे चले आए। और यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रहे थे बीमार के लिए, तो मम्मी बता रहे थे कि आज बीमार में बनाएंगे खिचड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मी के हाथों का खिचड़ा। और मम्मी तो मैंने पहले ही बताया था जब भी मैं आऊँगी आप बनाइएगा। तो मम्मी यहाँ पे सबसे तैयारी कर लिए है उन्होंने। यहाँ पे देखिए मटन भी बॉयल हो गया है, और यहाँ पे खिचड़ा भी बॉयल करने के लिए उन्होंने डाल दिया है। असल में मेरे जो मामी थे वो बहुत ही मज़े का खिचड़ा बनाते थे, और मम्मी में उन्हीं से सीखा हुआ है, मम्मी उनकी ही पूरा बनाती हैं। तो इतना मैंने भी सीख लिया है मम्मी से कि कैसे बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरी मामी जैसा मम्मी भी बना सकती, वैसे मैं भी मेरे मम्मी की तरह नहीं बना सकती, बहुत ही अच्छा बनाता। अब देखिए यहाँ पे बेबी भी हो गया है, उसके बाद हमने रात में खिचड़ा एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपने मेरी वीडियो देख के एंजॉय किया क्या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये भी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।